वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सो डैट के यूज को जानेंगे और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, इसके बारे में जानेंगे और इसको किस प्रकार से यूज में लाना है और इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मैं हूँ अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जानते हैं यूज ऑफ सो और डैट। ओके, इसके यूज के बारे में जानेंगे। तो सो का मतलब होता है हिंदी में इतना या इतनी, और डैट का मतलब होता है, आप लोग जानते ही हैं, की। हम की के लिए इसका प्रयोग करेंगे डैट का। ओके, देखिए सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। मैंने इससे पिछली वीडियो पर बताई थी सच और डैट के बारे में, उसमें मैंने कहा था कि सच के बाद एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार से होता है। वैसे तो सच के बाद नाउन का ही यूज होता है, पर एडजेक्टिव का होता है जब वो किसी नाउन को फॉलो करता है। मैं इस वीडियो में भी आपको कवर करूंगा सच के बारे में, एक सेंटेंस कवर करूंगा केवल। ओके, तो पहले ये देखते हैं सो डैट के बारे में। वी वर ऑल सो थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यास। ओके, एडजेक्टिव है। That we needed water. हम सब इतना प्यासे थे कि हमें पानी की जरूरत थी। तो आप लोगों ने देखा सिंपल बन गया, we were all so thirsty। अगर हम यहां से मान लीजिए सो को हटा देते हैं, हमने सो को हाइड कर दिया। ओके, देखिए we were all thirsty, यहां तक देखिए हम सब लोग प्यासे थे। ओके, हम सब प्यासे थे, ये हो रहा है इसका मतलब, लेकिन हम लगा देते हैं यहां पर सो, तो ये हो जाता है हम लोग इतने प्यासे थे सो लगाने से, जिसका मतलब होता है इतना या इतनी। ओके, इतने प्यासे थे या इतना प्यासे थे। ओके, डैट मीन्स आपको पता ही है कि वी नीडेड वाटर, हमें पानी की जरूरत थी। सिंपल, ये पूरा सेंटेंस बन गया, वी वर ऑल सो थर्स्टी डैट वी नीडेड वाटर, हम सब इतना प्यासे थे कि हमें पानी की जरूरत थी। सिंपल, आपको समझ में आ गया। देखिए आई हैव मिस्ड यू सो मच डैट आई कैन नॉट टेल यू, मैंने तुम्हें इतना याद किया है कि मैं आपको नहीं बता सकता। I have missed you so much. Okay, that means ki I cannot tell you. मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं। देखिए आपको क्लियर करता हूं थोड़ा। It was such a boring speech that I slept. यह ऐसा उबाऊ भाषण था कि मैं सो गया। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव का यूज हुआ है, हालांकि बोरिंग नाउन भी है लेकिन एडजेक्टिव भी है, ये भी ध्यान रहा ना। तो लेकिन ये फॉलो किसे कर रहा है, स्पीच, जो कि नाउन है। तो जब नाउन को कोई एडजेक्टिव फॉलो करता है तो हम सच का यूज करते हैं। ओके, अगर सिर्फ नाउन है फिर भी हम सच का यूज करेंगे, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है तो भी हम सच का यूज करेंगे। ओके, देखिए इट वॉज सो बोरिंग डेट आई स्लैप, यह इतना उबाऊ था कि मैं सो गया। यहां पर कोई नाउन नहीं है, बोरिंग के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये बोरिंग किसी को फॉलो नहीं कर रहा, किसी नाउन को फॉलो नहीं कर रहा, ये सिंपल अपने आप में ही बता रहा है। ओके, इट वॉज सो बोरिंग, यह इतना उबाऊ था। ओके, कि मैं सो गया, दैट आई स्लैप्ट। ओके, देखिए एक और देखिए,
His lecture was so boring that I slept. यहां पर भी boring जो adjective है और noun भी है, लेकिन adjective के रूप में हम ले रहे हैं ना यहां पर, तो देखिए so boring यहां पर ये किसी noun को follow नहीं कर रहा boring, तो हम इसलिए so का use कर रहे हैं यहां पर। यहां पर अगर lecture, ये lecture जो है यहां पर होता तो हम such का use करते, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया स्पीच बोरिंग स्पीच, इस प्रकार से। ओके इट वाज सो बोरिंग दैट आई रैन अवे फ्रॉम देयर, यह इतना उबाऊ था कि मैं वहां से भाग गया। वह इतना तेज दौड़ा कि वह रेस जीत गया, इसका हो गया he ran so fast that he won the race। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां से इसे हटा दीजिए तो सिंपल बन जाएगा he ran fast, वह तेज दौड़ा, यहां पर लगा देते हैं so, वह इतना तेज दौड़ा। ओके so means इतना या इतने या इतनी, he ran so fast then he won the race, वह इतना तेज दौड़ा कि रेस जीत गया। अब सीधा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने आपको काफी समझा दिया। ओके देखिए this girl is so nice that everyone likes her, वह लड़की इतनी अच्छी है कि हर कोई उसे पसंद करता है। he is so kind that he helps everyone, वह इतना दयालु है कि वह हर किसी की मदद करता है। The day was so hot that we went swimming, दिन इतना गर्म था कि हम तैराकी चले गए, मतलब तैराकी करने के लिए चले गए। ओके मैं इतना धनी हूं कि मैं एक बाइक खरीद सकता हूं। I am so rich that I can buy a bike, ऑडी खरीदते हैं बंदे धनी होते हैं तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा so के यूज के बारे में। so का यूज हम एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं। ओके और मैं यहां पर आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अभी बता भी दिया है द डे वाज सो हॉट, देखिए ये देखिए हटा दिया, डे वाज हॉट, द डे वाज हॉट, दिन गर्म था, इतना भी यहां से गायब हो जाएगा हमने क्योंकि सो हटा दिया। यहां पर हम सो लगा देते हैं फिर से, देखिए सो जिसका मतलब हो गया फिर से इतना, दिन इतना गर्म था। ओके तो आपको ये ध्यान में रखना है, उसके बाद आप सेंटेंस, आप अगर आपको टेंसेस की जानकारी है तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद डैट का यूज हमने किया की के लिए, वेंट टू स्विम, वेंट स्विमिंग, इसी प्रकार के आप कोई सा भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, उसमें आप देखिए ये है he is so kind, वह इतना दयालु है, इसे हटा दो so को, he is kind, okay वह दयालु है, ये हो जाएगा वह दयालु है, इतना हट जाएगा यहां से, हमने so हटा दिया तो बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं बड़ी ही आसानी सेंटेंसेस को, और कंफ्यूज ना हो। कुछ लोग कमेंट आते हैं सर मुझे सिर्फ ए बी सी डी आती है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, अगर इंग्लिश के लेक्चर पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं या मैं इसमें भी दे सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ टॉपिक था सो डैट के बारे में, जो कि उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका है।
ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आसानी से समझ गए होंगे सो डैट की यूज़ को। सच डैट और सो डैट में आप लोगों को अंतर भी पता चल गया होगा। और आप लोग अब सच डैट, अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, अगर देखी है तो सही है, आप लोगों को समझ आ गया होगा सच डैट और सो डैट में अंतर क्या है। ओके तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जो कि आने वाली वीडियो का आप लोगों को पता चल सके। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि ईजिली मैथड से आपको इंग्लिश सिखाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उल्टा बोल दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्या कहते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इंजॉय के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बाद में सर्च करिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा और फिर आके इंग्लिश की वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी जो भी वीडियो आएगी, ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड, कन्वर्सेशन से रिलेटेड। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।